हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी। सो हियर वी हैव स्नूपी। स्नूपी इज अ टॉय ब्रीड चिवावा, शॉर्ट कोट चिवावा एक्चुअली। सो बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आता था, सर चिवावा पे वीडियोज बनाइए, चिवावा पे वीडियोज बनाइए। और बेसिकली इतना बड़ा ना, जितना बड़ा स्नूपी अभी है, इतना बड़ा हमारे पास वन मंथ का लैब्राडोर या वन मंथ का जर्मन शेफर्ड या वन मंथ का रॉटवाइलर होता है। बट स्नूपी इज राइट नाउ 4 मंथ ओल्ड, राइट? 3 मंथ। ओके, स्नूपी इज राइट नाउ 3 मंथ ओल्ड। ये 3 महीने का चिवावा है। दो तरीके के चिवावास होते हैं, एक शॉर्ट कोट होते हैं, एक लॉन्ग कोट होते हैं। लॉन्ग कोट वाले के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जस्ट लाइक शिट्ज़ू, ल्हासा इप्सू एंड पोमरेनियन। और दिस वन इज शॉर्ट कोट चिवावा। आप देख सकते हैं स्मूथ कोट है। इस तो सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप स्मूथ कोट या शॉर्ट कोट वाला चिवावा ले रहे हैं तो हेयर फॉल नहीं होंगे उसके। सो अभी हमारे साथ में स्नूपी के ओनर्स हैं, संध्या एंड स्वाति, राइट? तो देर आर सम क्वेश्चंस, सम क्वेरीज रिगार्डिंग स्नूपी। तो आइए बारी बारी से हम उनके क्वेश्चंस सुनते हैं और बारी बारी से हम उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आइए चलिए मिलते हैं स्वाति से। हाय स्वाति, हाउ आर यू? सॉरी, यू आर स्वाति, सॉरी। सो हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, राइट? ओके, द थिंग इज दैट कि ही इज नॉट ईटिंग लास्ट 5 to 10 days। ये पिछले 5 से 10 दिनों से कुछ खा नहीं रहा है। कुछ नहीं खा रहा है या बहुत नाटक करके बहुत मेहनत करके खिला रहा है? ओके, द थिंग इज दैट, यहाँ आता है 3 क्वेश्चन गाइज, जो कि अभी मैं स्वाति से पूछने वाला हूँ। इसकी डिवॉर्मिंग हुई है स्वाति? नहीं हुई है। इसकी वैक्सीनेशन हुई है? नहीं हुई है। 3 मंथ का पपी हो गया है, अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से पेट पे हमें पता चल रहा है कि वॉर्म्स हैं पेट में, टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स होंगे, फॉर श्योर होंगे। और वैक्सीनेशंस भी नहीं हुए। आप इसको कोई लीवर टॉनिक या एपेटाइजर दे रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दे आर टोटली अननोन, बिकॉज इन्होंने लिया तो है, बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। पपी इज कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन है कि मैं अपने गाल पे सटा सकता हूँ। सो बहुत पैम्पर्ड करके इसको पाला जा रहा है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर यूं कहिए मुझसे थोड़ा सा लेट मुलाकात हुई है। बट अगली बार जब स्नूपी आएंगे हमारे पास, मे बी 1 मंथ, मे बी आफ्टर 2 मंथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी स्वाति करना क्या है, सबसे पहले हमें करनी है इनकी डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग में होता क्या है, हम पेट के अंदर के सारे वॉर्म्स मार देते हैं। अभी होता क्या है, बाहर से कोई भी आया, प्यार सबको आता है, वो चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे कोई कलीग हो, चाहे कोई नेबर, या हैंड वॉश करके आ रहा हूँ तो हाथ में कहीं ना कहीं डस्ट है, ड्राइव करके आ रहा है, स्टेयरिंग का डस्ट है, या स्कूटी या गाड़ी ड्राइव करके आ रहा है तो हैंडल का डस्ट है, तो स्नूपी हाथ चाट लेते हैं। या फिर फैमिली में इन्वॉल्व था, कुछ रिचुअल्स थे, अभी किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में हमारे, तो हाँ, मैं विजिट कर रहा था, मेबी बिकॉज मीटिंग लॉट ऑफ पीपल देयर, और डॉग्स उनके वहाँ पे भी, उनसे मिलने में, मेबी बिकॉज ऑफ दैट इट कैन। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सा, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो होता है कि हमने बोल में इनको खाना दिया, ये खाते खाते कुछ हिस्सा रॉयल कैनिन का जमीन में गिरा देते हैं, फिर हम लोग उसको फेंकते तो है नहीं और फेंकना भी नहीं चाहिए, और फिर वो जमीन से उठा के खा लेता है। कितना भी हम साफ कर ले फ्लोर क्लीनर से या फिनाइल से, कुछ तो डस्ट के पार्टिकल्स रह ही जाते हैं जो उस फूड को उठाने में बॉडी में जाते हैं, तो वो धीरे 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 करके वॉर्म्स बन जाते हैं बॉडी में। कभी ना कभी ये सोफा लीक कर लेते होंगे, बेड लीक कर लेते होंगे, कुछ नहीं चबाने को मिला तो बेड का वो पैर चबा लिया, आपका हाथ चबा लिया, आपका बैग चबा लिया, आपका नेकलेस चबा लिया, कुछ बैग से खेलने लग गया, तो वॉर्म्स अपने आप पेट में बन जाते हैं। इसीलिए एवरी 15 डेज पे ही नीड्स डिवॉर्मिंग। एंड वैक्सीनेशन तो अभी तक इसके 3 हो जाने थे, बट नो वरीज, अभी इसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ओनर फ्रॉम व्हिच वी हैड बायर, उन्होंने बोला था आफ्टर 2.5 मंथ्स to 3 मंथ्स में ही आप स्टार्ट कराएगा, हमने इसलिए नहीं कराया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने बोल से नहीं खा रहा है, ये अपने बोल से नहीं खा रहा है, कितने दिनों से? बोल ना प्लेट, एनीथिंग, नथिंग, जैसे किबल्स है, किबल्स से ड्राई खा रहा है, बट बोल में डाल दो तो बहुत मुश्किल से खा रहा है, फ्लोर पे दस स्प्रेड कर गया है, उसके बाद प्ले करने पे वो तब खा रहा है। अच्छा, अपने बोल से नहीं खा रहा है, कितने दिन से ये सिचुएशन? ऑलमोस्ट 10 डेज से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज, स्नूपी को पता है मैं अगर खुद से नहीं खाऊंगा तो मेरी 2-2 मम्मा हैं, वो मुझे जैसे तैसे खिला देंगी, तो ये इसका माइंडसेट हो गया है कि मुझे इतना ज्यादा पैम्पर किया जाएगा कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे गोद में लेके खिलाना है इनको, मुझे भैया बाबू सोना बच्चा प्लीज खा लो, ईट समथिंग करना है। तो एक तो ये है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा पेट लव में व्हाट कैन आई से ब्लाइंड हो जाते हैं कि
कि हम थोड़ा सा बैड हैबिट्स डाल देते हैं प्यार के चक्कर में. तो सबसे पहले वो चीज करनी है कि इसको खाना देना है बोल में, नहीं खाया हटा देना है. फिर आधे घंटे बाद देना है खाना, नहीं खाया हटा देना है. तीसरी बार में मुझे नहीं लगता कि ये खाना हटाने देगा, ये रॉकेट की तरह खा जाएगा. हो सकता है घंटे दो घंटे तीन घंटे आपको लगे कि अरे यार अभी तक भूखा है भूखा है भूखा है, बट ट्राई टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. और उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार अब ये खाना खा लेगा, क्योंकि खाएगा. और ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, मे बी टू डेज फाइव डेज सेवन डेज एक हफ्ते का. इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन जैसे ब्लैक टी शर्ट पहनो या तो डार्क कलर की टी शर्ट. पहले हेयर फॉल इसके थोड़े पैचेस में पड़े थे अराउंड द नेक नीस एंड स्टमक के अराउंड पे. फिर वहाँ पे मैंने कहीं से पढ़ा था, मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करती थी, उससे बेटर हो गया काफी, मतलब बेटर हो गया. ठीक है, तो एक आप लोग के लिए होम रेमेडी स्वाति की ओर से है कि अगर थोड़े बहुत पैचेस पड़ रहे हैं या थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है और वहाँ पे रेडनेस हो जाती थी स्किन पे थोड़े थोड़े, और इसको इचिंग बहुत होती थी, खुज जाता था, तो वहाँ पे आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल लाइक पैराशूट शालीमार या फिर आपके पास जो भी नारियल का तेल कोकोनट ऑयल आप थोड़ा सा लेके अप्लाई कर सकते हैं. उससे आपके पैराशूट लगाया था और ठीक हो गया स्नूपी, अभी दो चार बाल गिर रहे हैं. नहीं ऐसे नहीं, मतलब टी शर्ट पे से थोड़े बहुत नॉर्मल स्टक दो जाते हैं. गिर रहे हैं. ठीक है, कोई नहीं. हम इसके लिए बेसिकली जब भी हेयर फॉल होता है तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का एक सिरप आता है या फिर सैल्मन ऑयल होता है. सैल्मन इज अ फिश, तो उससे इंसानों के लिए भी होता है. ओमेगा 3 ओमेगा 6 के कैप्सूल्स आते हैं, हेयर फॉल होता है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वो एक सिरप देंगे, ये 2-2 ml पियेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड क्या चेंजेस कर सकते हैं? अभी खाना बिल्कुल खा नहीं रहा है, बहुत डिफरेंट हम इसके लिए ट्राई कर चुके हैं ये वो, बट दो मतलब खाले कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं. क्या क्या आप ट्राई कर चुके हैं इसके लिए? हमने आज इसको कर्ड टेस्ट कराया है, ओके, एंड थोड़ा सा कर्ड खाया बट फिर छोड़ दिया इसने. एग भी फर्स्ट डे खाया छोड़ दिया, फिर उसके बाद नहीं खा रहा है, इज नॉट ईटिंग, ओके. एंड राइट नाउ इसको हार्ड चीज ज्यादा पसंद आ रही है, लाइक पहले किबल हम इसको सोक करके दे रहे थे, अब ये ड्राई ही ज्यादा प्रेफर कर रहा है. इनफैक्ट चपाती अगर दे रहे हैं तो उस वक्त नहीं खा रहा है, वो जब हार्ड हो जा रही है ना वो उसको खाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है. वो बेसिकली वॉर्म्स की वजह से ही है. और हम क्या क्या इसको दे सकते हैं, तो हम उस पे आते हैं. अभी हम स्नूपी को दे सकते हैं कैरेट दे सकते हैं, चुकंदर दे सकते हैं, कोकुम्बर दे सकते हैं, खीरा एंड बॉइल्ड पोटैटोस छोटे छोटे, और फ्रूट्स में इसको आप बनाना दे सकते हो. बनाना बहुत प्यार से खाएगा, खाता है, फर्स्ट टाइम खाया था इसने, बट ये अभी लास्ट 10 डेज से नहीं खा रहे. अभी एक बार तो दे ले, तो डर ही जाओ. इतना जोर से नहीं देना था भाई. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड बॉय, यू आर गुड बॉय. ठीक है, और फ्रूट्स में हम इसको पपाया दे सकते हैं. बेसिकली शी इज स्वाति, से हाय टू स्वाति सारे व्यूअर्स को. सो ये स्नूपी है, ये इसकी ओनर है. सो अभी आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, अभी हमने इतने सारे आंसर्स दिए, तो बेसिकली हम इसका एक छोटा सा डाइट प्लान मेंटेन करने जा रहे हैं, जो कि हम इनको दे देंगे, शेयर कर देंगे. तो बेसिकली जो चिवावाज हैं दोस्तों, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आते हैं, लाइक वाइट, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट, टैन, लीवर टैन कलर, फुल वाइट कलर में भी आपको चिवावा मिलता है, ब्लैक एंड वाइट मिलता है, ब्लैक एंड ब्राउन मिलता है. तो ये जो आप स्क्रीन पे इतने सारे पपीज की फोटोज देख रहे हैं वो सारे चिवावा ही हैं, और लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट दोनों हमारे पास मिलता है. प्राइस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे 24/7. मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको जवाब दे पाऊँ. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन स्वाति? नथिंग. सो अभी फिर चलते हैं, इसके डिवॉर्मिंग हम करेंगे, और फिर स्नूपी आप सबको बाय बाय कह रहा है, और बहुत प्यारा सा बच्चा है, बट ये शरारत बहुत ज्यादा कर रहा है, दोनों ओनर्स को अपने परेशान करके रखा है. सो आई होप गाइज आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नए अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे वैसे ही प्यार देते रहिए. आपका सौरभ आपके साथ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज चिवावा इज द रेयरेस्ट ब्रीड फॉर यूपी. यूपी में बहुत कम चिवावाज हैं, तो आप सबके शेयरिंग से पीपल विल नो कि चिवावाज क्या होते हैं, एक्चुअल चिवावा के क्या साइज होते हैं, और एक्चुअल चिवावाज रखने में थोड़ी बहुत क्या इश्यूज आती है. जिसमें ऑलरेडी डॉग्स हैं, उन्होंने तब भी दे वांट टू कीप.
द थिंग इज दैट कि किसी के पास लैब्रा है, किसी के पास रॉटवाइलर है, तब भी दे लव मोर देन देयर डॉग्स, मतलब स्नूपी को ज्यादा प्यार करते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द क्यूटनेस, इतनी शैतानी करता है उनके पास. अभी वी हैव अ डॉग नेम ओरियो, एंड मतलब वहाँ पे गया ये रिलेटिव के घर पे, इतना उनको उसको तंग किया देख करके, कितना छोटा साइज में है, इतने बड़े बड़े डॉग्स को इतना परेशान कर दे रहा है ये, और इतना एवरीबडी लव्स टू प्ले विद हिम. ओके, सो दैट इज द मेन पॉइंट. अगर आपके पास कुछ यूनिक होता है, दौड़ता है, इतना भागता है, बहुत दौड़ता है, मतलब ही इज वेरी मच प्लेफुल, ही लव्स टू प्ले. ओके, ओपन स्पेस मिल जाए अंदर बाहर, ये वो, मतलब एकदम धमा चौकड़ी मचा के एकदम मस्ती खोर है पूरा. तो प्रॉपर स्नूपी बहुत बड़ा वाला मस्ती खोर है. हम इसकी कुछ वीडियोस आपको जरूर शेयर करने वाले हैं. अभी जब ये घर जाएंगे तो 2-4-5 क्लिपिंग्स हमें भेजेंगे और वो हम आपको जरूर दिखाएंगे. सो आई होप गाइज आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.